बुधवार को गोलघर के गांधी प्रतिमा के पास संयोजक ऑल इंडिया क्रिकेट संघर्ष समिति राणा सुनील के नेतृत्व में क्रिकेट खिलाड़ियों, गोरखपुर क्रिकेट संघ और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और गोरखपुर क्रिकेट संघ पर गंभीर आरोप लगाया। समिति के संयोजक का कहना है कि GCA में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और पदाधिकारी लगातार अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। GCA और UPCA में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर हमने लड़ाई तेज कर दी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संयोजक राणा सुनील ने कहा, UPCA होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अकरम साहब भी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अकरम साहब भी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अकरम इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पहले 2 महीने पहले किए हैं और मैं जो सिलेक्शन में कह रहा था कि पारदर्शिता नहीं है, गोरखपुर अंडर 19 की जो टीम गई जो उनकी खेलने, वो तीनों मैच हार गई। पिछले साल जो उनकी चैंपियन है, कैसी टीम बनी है ये मालूम है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लड़के फॉर्म भरे हैं और जो खिलाड़ी 16-19 रणजी ट्रॉफी के फॉर्म भरे हैं उनके बीच और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को करना चाहिए था, एक कमेटी बना करके जाँच करानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया, उसमें कहा गया स्वयंसेवी संस्था है, UPCA को लिखिए। अब DM साहब के पास भी है, वो कहां तक जांच पहुंची है एक आध दो दिन में पता लग जाएगा। हम चाहते हैं 16-19-23 रणजी जितने भी सिलेक्शन के चल रहे हैं उन सभी को जांच कराई जाए, जो खिलाड़ी फॉर्म भरे हैं और जो छांटे गए हैं, जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाई है उसके बीच एक स्वतंत्र बॉडी से जांच कराई जाए। अब ये सब कुछ निकल के आएगा कि GM तिवारी शफीक सिद्दीकी क्या करते हैं, मेडिकल रिपोर्टें देते क्यों नहीं, आखिर उस मेडिकल रिपोर्ट में क्या छिपा है। पैसा लेते हैं जब तो मेडिकल रिपोर्ट तो देनी चाहिए, ना UPCA देती है ना ये देती है। वहाँ अकरम सैफी दबाता है, युद्धवीर सिंह दबाता है, यहाँ GM तिवारी शफीक सिद्दीकी जब दबाते हैं, कहीं ना कहीं अपने चहेतों को भेजने की प्रक्रिया है इनके पास। और अब चालू हुआ है, 13 तारीख को मेरा जुलूस है, उसके बाद मैं देखूंगा। यदि AK पांडे जी जो जांच अधिकारी, उन्होंने कुछ रिपोर्ट लगाया है तो ठीक है, नहीं तो फिर शासन प्रशासन के भी खिलाफ हम लोग उतरेंगे और मैं मुख्यमंत्री निवास की तरफ बैठूं धरने पे जाऊंगा, या तो मुख्यमंत्री जी CBI इसकी जांच करा लें, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गंदा भ्रष्टाचार हुआ पड़ा है वो किसी से छिपा नहीं है। रणजी ट्रॉफी 5 साल से पूरी तरह से हार जाती है, उत्तर प्रदेश की 23 हार जाती है, बड़ा बिगड़ाल है, 25 करोड़ में कोई प्लेयर ही नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वित्तीय अनियमितता इतनी है कि पूछिए मत, हर एसोसिएशन अपनी एकेडमी खोल लिया है, उसी से लड़के छांटते हैं, उसी से लड़के भेज देते हैं। आतिप एकेडमी की ये पोजीशन है गोरखपुर क्रिकेट, आज तक उस पर कुछ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर सेंट एंड्रयूज कॉलेज के अंदर गोरखपुर क्रिकेट संघ ग्राउंड है, सेंट एंड्रयूज कॉलेज ग्राउंड तो है नहीं, उस पर आतिप एकेडमी कैसे चलती है, सबसे बड़ा सवाल है ये। और इसके खिलाफ भी हम लोग धरना देंगे, ये है, और गोरखपुर क्रिकेट संघ के ऑफिसों पर धरना देंगे। आगे ये सारे अनवरत चलेगा, मैं अमरन अंसर से लेके कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा जब तक इसकी पूरी तरह से CBI जांच नहीं हो जाती है और गोरखपुर में ऑब्जर्वर नहीं बैठ जाता है। मैं उन सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूँ कि जिनके साथ अन्याय हुआ है वो खुल के साथ आएँ, डरे नहीं, ये कोई बैन नहीं कर सकता है आपको, ट्रायल में जो रोकने की बात कर रहे हैं नहीं रोक सकते हैं, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ मैं उतरा हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं खेलता है, मेरी बेटी नहीं खेलती है, मेरे घर के लोग नहीं खेलते हैं क्रिकेट, हमारे घर कोई क्रिकेट नहीं खेलता है, लेकिन मैं ये अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं CBI जांच जब तक UPCA की नहीं हो जाती है तब तक ये लड़ाई, अब जंग जारी होगी और अगस्त तक इसको निर्णायक मोड़ पर ला दूँगा। गोरखपुर क्रिकेट संघ में ऑब्जर्वर अगस्त तक बैठा नहीं दूँगा तो चैन से नहीं बैठूँगा, इन दोनों के लिए खतरे की घंटी है। धन्यवाद।